जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। दोस्तों, अगर आप भी बिहार से बीएड कर रहे हो, अगर आपका सेशन 2020 से 22 है, अगर आपके कॉलेज में भी आपका 3000 रुपये वापस नहीं आया है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसका सोल्यूशन बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने 2020 में एडमिशन लिया था तो आपको पता कि 2020 में एलएनयू ने एग्जाम को कंडक्ट करवाया था और जो पैसा आपने पेमेंट किया था एलएनयू को किया था, और एलएनयू का कहना था कि जैसे आपका एडमिशन खत्म हो जाता है तो 3000 रुपये आपके कॉलेज में रिटर्न कर दिए जाएंगे और जो आपका फीस होगा उसमें आपका उसमें कमी कर दिया जाएगा। कुछ कॉलेज हालांकि फ़ी में कमी किए हैं, जो 75,000 आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था वहाँ पे देने के लिए, उसमें से 3000 रुपये माइनस हुए हैं। कुछ ही कॉलेज के हुए हैं, सभी कॉलेज के नहीं हुए हैं। और आप सभी के लगातार ही कमेंट आ रहे थे कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए कि मेरे कॉलेज का नहीं आया। मुझे पटना से भी बहुत सारे कॉल आए, उसके बाद नरकटियागंज से भी आए और भी डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से मुझे कॉल आए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम होती है जो उसके खिलाफ कोई आगे खड़ा नहीं होता है। लेकिन आपको पता है कि टेक स्टडी आपके साथ हमेशा रहता है और मैं चाहता हूँ कि 3000 रुपये आपका जो है रिटर्न हो। इसी के रिगार्डिंग हमने बात की है एलएनयू के जो नोडल ऑफिसर थे, आपको पता है 2020 में अजीत कुमार थे, ठीक है। तो आपको बात करना है किनसे? अजीत कुमार से बात करना है, अशोक कुमार मेहता से नहीं। अब की बार के लिए अशोक कुमार मेहता है जो 2021 से 23 सेशन होने वाला है। तो हमारी क्या बात हुई है पहले आप उसको सुन लीजिए, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। हेलो हेलो जी, प्रणाम सर। जी, कह रहे हैं कि जो सेशन 20 से 22 में जो एडमिशन हुआ था बीएड में, सर उसमें जो कॉलेज कह रहे थे 3000 रुपये रिटर्न करने के लिए, अभी तक कॉलेज से कोई पैसा नहीं मिल रहा है और सेकेंड ईयर का एडमिशन का भी नोटिस आ गया था। सारे कॉलेज को पैसा वापस हो गया है। तो फिर कॉलेज कह रही है कि नहीं मिला है मुझे। किस कॉलेज की बात आप कर रहे हैं? बहुत सारे कॉलेज है, उसका लिस्ट हम भेजते आपको। टीपी वर्मा का नरकटियागंज, वहाँ जा करके मिला तुम उसके प्रिंसिपल से? जी जी। तो क्या कहा प्रिंसिपल? कि नहीं अभी पैसा आया ही नहीं। आप जाओ कॉलेज में प्रिंसिपल से हमसे बात करवाना, थाना की बात कीजिए, सिंगल ऑफिसर करते हैं कि पैसा चला जाए। तो दोस्तों, आपने सुना, इन्होंने साफ कह दिया कि मैंने सभी कॉलेज को पैसा जो है रिफंड कर दिया है। अब कॉलेज वाले यहाँ पे मनमानी कर रहे हैं। आपने डायरेक्ट सुना जो नोडल अफसर थे अजीत कुमार, उन्हीं का यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग आपने सुना। उन्होंने कहा है कि अगर आपके कॉलेज में नहीं मिला है तो आप जाकर प्रिंसिपल से बोलिए। अगर प्रिंसिपल कहते कि हमारे कॉलेज में पैसा नहीं आया है तो डायरेक्ट आप जो है अजीत कुमार को कॉल लगाइए और उनसे प्रिंसिपल को जो है बात करवाइए, क्योंकि 3000 रुपये का आपका सवाल है। 3000 रुपये की रकम जो है उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है जिनके पास पैसा नहीं है। और हालांकि जो भी बीएड यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सबको यहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम होता है। एक तो कॉलेज जो है ऊपर से बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं और उसमें 3000 रुपये अगर आपका वापस होता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो आप जिस कॉलेज से हैं, अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो आप क्या कीजिए, आप अपने कॉलेज जाइए और प्रिंसिपल से बात कीजिए। अगर वह कहते हैं कि हमारे कॉलेज में पैसा रिटर्न नहीं आया है तो आप बोलिए कि नोडल ऑफिसर कह रहे हैं कि पैसा जो है सभी को रिटर्न कर दिया गया है। अगर फिर भी बात नहीं होती तो आप डायरेक्ट उनको बात करिए। अगर बात करने के लिए राजी नहीं होते हैं तो आप सभी एकजुट होइए। जैसे आपने काउंसलिंग के समय एकजुटता दिखाई थी, एडमिशन के समय जो गलती की थी एलएनयू ने, उसके खिलाफ आपने किया था तो याचिका भी आप लोगों ने दायर की थी, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन पहले जो प्रोसेस है आप उस प्रोसेस को पूरा कीजिए। एलएनयू ने कह दिया है, एलएनयू की तरफ से यहाँ पर पुष्टि कर दी गई है कि हमने सभी कॉलेज को पैसा जो है भेज दिया है, तो एलएनयू की कोई गलती नहीं है। अब जो है जो भी गलती है आपके कॉलेज की गलती है, तो आप अपने कॉलेज के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर नहीं मानते हैं तो पहले उनसे बात कराइए, उनके बाद क्या रिस्पॉन्स होता है आप उसको देख लीजिए। अगर आपके प्रिंसिपल जो है बात करना नहीं चाहते नोडल यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप आगे जा सकते हैं। तो अगर जो भी प्रक्रिया होती है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी सहायता करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नोडल ऑफिसर है अजीत कुमार, उनका नंबर दे दूँ ताकि आप लोग का समस्या जो है समाधान हो जाए और आप लोग डायरेक्ट उनसे बात कर सके, ठीक है, और अपने कॉलेज का नाम जो है बता सके। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी और जो आपकी समस्या चल रही थी पिछले एक साल से, वह समस्या अब आपकी थोड़ी सी यहाँ पे खत्म होगी। पूरी खत्म अभी नहीं होगी जब तक पैसा आपके पास आता नहीं है, ठीक है। तो आगे और भी कोई आपकी यहाँ पे कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।